यहाँ यूट्रस होते हैं, ये जो जगह में यूट्रस होते हैं, ये लोअर एब्डोमेन है। यूट्रस के दोनों तरफ हमारा फेलोपियन ट्यूब होते हैं, फेलोपियन ट्यूब के इधर हमारा ओवरीज, दो ओवरीज है, ये हमारा ओवरीज है। ये फेलोपियन ट्यूब जब हमारा ब्लॉक हो जाते हैं तो शादी के बाद बच्चा होने में प्रॉब्लम होती है। पहले पता नहीं चलते हैं कि क्या वजह है बच्चा नहीं होने का, सारा टेस्ट में बाकी सारा रिपोर्ट ठीक है, जब ट्यूब टेस्ट लास्ट में जाके ट्यूब टेस्ट करते हैं तब पता चलते हैं कि फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है। पेशेंट परेशान हो जाते हैं, बच्चा नहीं होते हैं काफ़ी साल तक, तो परेशान होते हैं कि ब्लॉक हो जाती है, ऐसे ब्लॉक हो जाती है, जैसे ये ट्यूब मैंने मोड़ा तो इधर से कुछ चीज़ आगे नहीं जाएंगी, हम पुश करते हैं तो आगे नहीं जाएंगे। जब ये ऐसे खुल जाते हैं और ये बिल्कुल ऐसे ओपन है तब ये काम करेंगे, ऐसे ऐसे ही होता है फेलोपियन ट्यूब, यहाँ यूट्रस है। उसके बाद जब सारा टेस्ट में सारा रिपोर्ट ठीक है, लास्ट में फेलोपियन ट्यूब का टेस्ट है वो बहुत पेनफुल होते हैं, पेशेंट परेशान होते हैं वो टेस्ट करने के बाद में, उसको वो फेलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज को खोलने के लिए हम एक कैस्ट्रोइल थेरापी करते हैं। कैस्ट्रोइल थेरापी कैसे करते हैं वो आज आपको दिखा दें कैसे करते हैं। कैसे करना है वो दिखा देंगे आपको। पहले हम ये कैस्टर ऑयल गरम करेंगे, गरम करने के बाद में इसमें ये कपड़ा डुबोएंगे, ये कैस्टर ऑयल है, ये तेल, ये गरम करके पहले एक इसको स्क्वीज करके थोड़ा सा तेल निकालेंगे हम। निकालने के बाद हम लोअर एब्डोमेन में ये कपड़ा कपड़े को ऐसे करेंगे, ऐसे रखेंगे, ऐसे रखते हैं। इसके बाद हम ऊपर एक पॉलिथीन रखेंगे, ऐसा ऐसा पॉलिथीन रखे, गर्म पानी का बोतल इसके साथ इधर रखेंगे हम, गरम पानी का बोतल रखेंगे। ये पॉलिथीन इसलिए रखा है ये तेल कपड़े में ना लगे और बोतल में भी ना लगे, ये थोड़ी देर इधर रखना है और थोड़ी देर इधर रखना है, ताकि टोटल हम इधर 15 मिनट्स और इधर 15 मिनट्स, हाफ आधा घंटा हम ये गर्म पानी का बोतल रखना है। ऐसे रोजाना करेंगे तो हम ये फेलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज 1 मंथ में खुल सकते हैं। अगर फेलोपियन ट्यूब नारो है, नारो में भी हम ऐसे कर सकते हैं, ब्लॉकेज नहीं है, नारो है, बहुत छोटा है ट्यूब है और बहुत नारो है, उसके लिए भी ये थेरापी यूज़फुल है। और मेरा एक्सपीरियंस है 25 साल का, और मैं काफ़ी पेशेंट का ये फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का ये केस ठीक कर चुकी हूँ। और ऐसे करके काफ़ी पेशेंट का केस मैं ठीक कर चुकी हूँ और अच्छा रिजल्ट है। और आप लोगों को पता है कि एक शादी के बाद अगर बच्चा नहीं होते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है, कितना पेशेंट परेशान होते हैं, कहाँ कहाँ बातें और कितना परेशानी होते हैं एक बच्चा नहीं होने का कारण, और इस तरीके से वो परेशानी को हम दूर कर सकते हैं। ये आप घर में भी कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर हेमा पणिक्कर, मेरा नाम है डॉक्टर हेमा पणिक्कर,
मैं दिल्ली में 25 साल से हूँ। मेरा गेट वेल होलिस्टिक हीलिंग सेंटर का नाम पे मेरा अपना सेंटर है बसंत कुंज में। धन्यवाद।